आई एम मोहम्मद मुजाहिदुल इस्लाम, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के एमडी कॉलेज परबत्ता। टुडे आई एम गोइंग टू डिवेलर ए लेक्चर ऑन द सोर्सेज ऑफ इंडियन एंशंट हिस्ट्री। सबसे पहले ये बतलाना ज़रूरी है कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री इज़ ए डायलॉग बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट। इतिहास उन घटनाओं को कहा जाता है जो भूतकाल में घटनाएं घटी हैं, और तथ्य के आधार पर इतिहासकार उसे सिलेक्ट करते हैं और उसका निर्माण करते हैं। इसी को हम इतिहास कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का अगर हम अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी ऐसी रचनाएं हैं जिसके अध्ययन करना हमारे लिए ज़रूरी है। अदरवाइज इसके अध्ययन के बगैर हम प्राचीन भारतीय इतिहास का सही तरीके से न अध्ययन कर सकते हैं, न जानकारी मिल सकती है और न इसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के संदर्भ में ये बात कही जाती है कि स्रोतों का अभाव है। और कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जैसे फ्लीट, स्मिथ, एल्फिस्टोन, मजुमदार, आर एस त्रिपाठी, ये कहते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय लोगों का ऐतिहासिक लेखन में या हिस्टोरिकल राइटिंग में उनकी कोई रुचि नहीं थी। और दूसरे ग्रुप जो हिस्टोरियंस के हैं वो ये कहते हैं कि हिस्टोरिकल राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल सेंस की कमी थी। अलबेरूनी वो ये कहते हैं कि जब जब हिंदुओं से ऐतिहासिक घटना के क्रम के संबंध में जब कोई बात पूछी जाती है और जब उसका वो सही उत्तर नहीं दे पाते हैं तो वो मनगढ़ंत बातें करने लगते हैं और वो आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। लेकिन जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों पे जब हम नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि उत्खन से प्राप्त भवन हमारे साथ मौजूद हैं। और जब इनका हम स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि क्वाइन के ऊपर जो चित्र अंकित हैं, जो डेट्स लिखे हुए हैं, वो प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन में हमें काफ़ी मदद कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्रोत है। उसी प्रकार मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में खुदाई से जो चीज़ें मिली हैं या अन्य स्थानों पर खुदाई से उत्खन से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं वो प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सामग्री उपलब्ध होता है। साथ ही ये बात सही है कि कोई एक ऐसी रचना हमारे सामने मौजूद नहीं है जिसे हम कह सकें कि पुण्यता प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालता है। लेकिन ये बात भी सही है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के लिखने के संदर्भ में जब हम आगे बढ़ते हैं और छानबीन करते हैं तो ये बात सामने आ जाती है कि प्राचीन काल में लोग ऐतिहासिक घटनाओं को छोड़कर वो अध्यात्म, धार्मिक, दार्शनिक चीज़ों पे अधिक ध्यान दिया उन्होंने और ऐतिहासिक घटनाओं को लिखने के संबंध में इनकी कोई रुचि नहीं थी। वो ज़्यादातर लिखने के बजाय वो घटनाओं को वो कंठस्थ कर लिया करते थे। और यही कारण है कि बहुत सारे ऐतिहासिक घटनाओं के की जो चर्चा होनी चाहिए वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को इंग्लिश में हम लिटरेरी सोर्सेज कहते हैं और दूसरा सेकुलर लिटरेचर कहते हैं। लिटरेरी सोर्सेज को तीन हिस्सों में बांटा गया है, ब्राह्मण धर्म संबंधित लिटरेचर, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित लिटरेचर और जैन धर्म से संबंधित लिटरेचर। बौद्ध धर्म संबंधित रचनाएं जो हैं वो दो भाषा, पाली और संस्कृत भाषा में पाई जाती है। जब हम धर्मनिरपेक्ष रचना की बात करते हैं
तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है, कल्पना प्रधान लोक साहित्य और दूसरा है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। अब विदेशी यात्रियों के वृत्तांत को भी हमने चार भागों में बांटा है, यूनानी यात्रियों के वृत्तांत, चीनी यात्रियों के वृत्तांत, तिब्बती यात्रियों के वृत्तांत और मुसलमान यात्रियों के वृत्तांत। इन द बिगनिंग मैंने डिवाइड आपको किया था सोर्सेज को दो हिस्सों में, साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। जब हम पुरातात्विक स्रोत को देखते हैं तो पुरातात्विक स्रोत को भी हम चार हिस्सों में बांटते हैं, इंस्क्रिप्शंस, भवन, क्वाइन यानी सिक्के और यूटेंसिल्स यानी बर्तन। तो इस तरीके पुरातात्विक स्रोत को चार हिस्सों में हमने बांटा है। सबसे पहले लिटरेरी सोर्सेज को हम लेते हैं। लिटरेरी सोर्सेज में जो धार्मिक स्रोत है, वो रचनाएं जो धर्म से संबंधित है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो ब्राह्मण धर्म से संबंधित ज्ञान देते हैं, उनमें जो चर्चा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये प्राचीन भारतीय इतिहास पे व्यापक प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहले जो है वो वेद है, वेद चार हैं, लेकिन ऋग्वेद ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऋग्वेद से हमें आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। इसलिए प्राचीन भारतीय इतिहास के राइटिंग के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि इसका अध्ययन करें। दूसरा है ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब होता है यज्ञ, और इसका अध्ययन इसलिए किया जाता है कि धार्मिक कर्मकांडों को समझने के लिए इसका समझना जरूरी है। उसके बाद आता है अरण्यक, वो रचना है जिसकी रचना जंगलों में हुई है, उसे हम अरण्यक कहते हैं। उपनिषद, उसके बाद उपनिषद का नंबर आता है। उपनिषद जो काफ़ी इम्पोर्टेंट लिटरेचर है प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण के लिए, के स्टडी के लिए। उपनिषद का मतलब होता है, उप के मतलब होता है नज़दीक, निषद का मतलब होता है बैठना, गुरु के समीप बैठकर जो जानकारी प्राप्त हुई है, बाद में उसे जो रचना उसकी जो की गई है उसे हम उपनिषद कहते हैं। उसके बाद वेदांग का नंबर आता है। वेदांग प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसके अध्ययन के बिना हम प्राचीन भारतीय इतिहास को नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद स्मृति, स्मृति से भी प्राचीन भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का प्रकाश डालते हैं ये। उसके बाद महाकाव्य, ऋग्वेद के बाद महाकाव्य का नंबर आता है। महाकाव्य काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रामायण एवं महाभारत। रामायण एक धार्मिक किताब है, महाभारत एक पॉलिटिकल रचना है, लेकिन दोनों से धर्म के संबंध में बातें होती हैं और धर्म के बारे में ये विवरण देते हैं, लेकिन रामायण के तुलना में महाभारत के ऐतिहासिक महत्व ज़्यादा है। रामायण के जो लिखने वाले थे वो तुलसीदास, और महाभारत के जो रचयिता थे वो मुनि व्यास। लेकिन आर्य त्रिपाठी कहते हैं कि जब प्राचीन भारतीय इतिहास का निर्माण किया जाएगा या इसका स्टडी करना है तो बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इसमें निसंदेह जो भी राजनीतिक घटनाओं का विवरण है वो बहुत ही रुचिकर है। नो डाउट दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, बट बाई कलेक्टिंग द मटेरियल फ्रॉम द महाभारत वन शुड बी वेरी मच केयरफुल बिकॉज पोलिटिकल, इन केस ऑफ द पोलिटिकल क्रोनोलॉजी दे आर इज सम ऑबरेशन। पुराण
प्राचीन भारतीय इतिहास के स्टडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी संख्या 18, लेकिन 5 काफी इंपॉर्टेंट है। पुराण के संबंध में आर्य त्रिपाठी कहते हैं कि ये अनुकूप में एक आलोक रश्मि है। वेन देयर इज नो मटेरियल सर्टनली इट प्रोवाइड सम मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। उसके बाद फिर आता है बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाएं। बौद्ध धर्म से संबंधित जो रचनाएं हैं वो पिटक हैं, पिटक 3 हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में मठों के अंदर रहने वाले जो भिक्षु हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस हैं, और अभिधम्म पिटक और सूत्र पिटक ये दोनों ऐसे एक में सार दिया गया है और एक में महात्मा बुद्ध की जो शिक्षा है उसको फिलोसफिकल अंदाज में पेश किया गया है। उसके बाद जैन धर्म से संबंधित जो रचनाएं हैं वो भी धार्मिक रचना है, लेकिन जैन धर्म से संबंधित जो भी बातें की गई हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्राचीन भारतीय इतिहास के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विशेषताओं को भी वो हमारे सामने वो रखते हैं। जब हम सेकुलर लिटरेचर की बात करते हैं तो सेकुलर लिटरेचर को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक वो लिटरेचर जो कल्पना प्रधान है लोक साहित्य, और दूसरा विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। तो कल्पना प्रधान आलोक साहित्य में सबसे पहले जो आता है वो अर्थशास्त्र है। इसे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने 4थी शताब्दी में लिखा था। ये एक राजा को कैसा होना चाहिए, उसकी कूटनीति कैसी होनी चाहिए और उसे शासन कैसे चलाना चाहिए, इस संदर्भ में अर्थशास्त्र से पूरा ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद कालिदास की रचनाएं, कालिदास ने जो भी रचना की है वो प्राचीन भारतीय इतिहास पे वो रोशनी डालते हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं वो है पृथ्वीराज रासो, यानी पृथ्वीराज के शासनकाल में और उसके साम्राज्य के संदर्भ में हमें पता चलता है। उसके बाद दूसरा लिटरेचर जो है गार्गी संहिता, पृथ्वीराज रासो और अन्य लिटरेचर हैं जो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद जब हम विदेशी यात्री के वृत्तांत की जब हम बात करते हैं वो प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि यूनानी जो लेखक हैं, जो यात्री हैं, उन्होंने जो डेट्स लिखे हैं और हमारे जो राइटर्स हैं उन्होंने जो डेट लिखा है, दोनों का एक रूपता जब स्थापित हो जाता है तो हमारी इतिहास को सुदृढ़ करने में ज़्यादा आसानी होती है। विदेशी यात्रियों के जो वृत्तांत हैं उनमें सबसे पहले जो आता है वो यूनान के यात्री हैं, जिसमें हेरोडोटस है, नियरकस है, पिलिनी है और मेगास्थनीज का नाम भी आता है। मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में सिकंदर के बाद राजदूत के रूप में भारत आए थे, उन्होंने इंडिका लिखी है। इंडिका गर्चे अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इंडिका में जो कुछ उन्होंने लिखा था यूनान के दूसरे लेखकों ने उनकी इस रचना से उदाहरण लिया था और उसे कोट किया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो चीज़ें इस वक्त उपलब्ध नहीं है। उसके बाद चीनी यात्री के वृत्तांत, चीनी यात्री में सुमाचिन, मतवालीन, हेनसांग और फहयान, इनकी जो राइटिंग्स है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके बिना हम प्राचीन भारतीय इतिहास को अगर हम पढ़ते हैं तो वो इनकम्प्लीट होगा। उसके बाद
तिब्बती यात्री के वृतांत, जिसमें तारानाथ हैं और उनकी जो रचना है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मुसलमान यात्री जो भारत आए, इन्होंने यहाँ के समाज को देखा, धर्म को देखा, और जहाँ जहाँ वो भारत का यात्रा उन्होंने किया उसके संदर्भ में उन्होंने लिखा है। अलमसूदी, अब्दुल रज़ाक और अलबिरूनी, जो अरबी के अलावा संस्कृत लैंग्वेज भी बहुत अच्छे तरीके से वो जानता था, उन्होंने तहकीकुल हिंद लिखा है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट किताब है। इसलिए ये तमाम रचनाएं प्राचीन भारतीय इतिहास के राइटिंग के लिए और निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि सोर्सेज को दो हिस्सों में मैंने बिगनिंग में डिवाइड किया था, लिटरेरी सोर्सेज और दूसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करते हैं, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में जो है सबसे पहले वो इंस्क्रिप्शंस है। अनक्वेश्चनेबली द इंस्क्रिप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्क्रिप्शंस के ऊपर जो भी खुदे हैं, जो भी पिक्चर्स हैं, जो भी राइटिंग्स हैं, वो जूं के तू राइटर के सामने रखे जाते हैं, और कोई भी इतिहासकार इसमें रद्द बदल नहीं कर सकता है, अपनी कल्पना को सामने नहीं ला सकता है। और इंस्क्रिप्शन जो पाए गए हैं वो पत्थरों पे पाया गया है, मंदिरों के दीवारों पे पाया गया है, और ताम्रपत्र पे पाए गए हैं, और हजारों इंस्क्रिप्शन हमारे सामने हैं, और इनके स्टडी से ही हम प्राचीन भारत के इतिहास का हम अध्ययन कर पाते हैं और इसका निर्माण कर सकते हैं। इंस्क्रिप्शन साउथ इंडिया की जो भाषा है, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, उसमें भी पाए गए हैं, और ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो ब्राह्मी भाषा में हैं, जो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। लेकिन खरोसी एक ऐसा लैंग्वेज है जो इंस्क्रिप्शन दाएं से बाएं की ओर लिखी गई है। इंस्क्रिप्शन के बाद जो नंबर आता है वो क्वाइंस हैं। क्वाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और क्वाइंस के ऊपर जो अंकित चित्र हैं या जो डेट लिखे होते हैं उसे ये पता चलता है कि किस डेट को ये सिक्का जारी किया गया था, और ये किसकी तस्वीर है, किसका चित्र है। इससे ये पता चलता है कि सिक्के को जारी करने वाला कौन राजा था, नंबर एक। दूसरी बात, क्वाइन से हमें ये भी पता चलता है कि एक साम्राज्य की सीमा क्या थी। जहाँ जहाँ ये सिक्के पाए जाते हैं इससे ये पता चलता है कि उस राज की सीमा, उस राजा की सीमा, उस साम्राज्य की सीमा वहाँ तक थी। इसके बाद तिथि क्रम का भी हमें पता चलता है सिक्कों से। सिक्के अगर सोने के हैं, हिस्टोरियन इसे ये अंदाज़ा लगाते हैं कि उस काल में संपन्नता था, लोग अच्छे थे, अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छा था। लेकिन अगर यही सिक्के तांबे के हैं, मिश्रित धातु के हैं या चांदी के हैं, इससे ये पता चलता है कि अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी। सिक्के अगर विदेश में पाए गए हैं तो इससे ये पता चलता है कि उस साम्राज्य का, उस राजा का विदेशों से भी व्यापार का रिश्ता था, विदेशों से भी उसके रिश्ते थे। सिक्कों से ये भी पता चलता है, उसके चित्र से, कि साइंस कितना डेवलप किया था, और सिक्कों को ढालने का जो तरीका और जो अंदाज था वो कैसा था, और साइंस हमारी कितनी तरक्की की थी। इसके अलावा राजाओं की पर्सनल दिलचस्पी, जो उनका व्यक्तिगत रुचि धर्म में कितना था और दूसरी चीज़ों में क्या था, ये सिक्कों से भी पता चलता है। सिक्कों के बारे में गोखले साहब ने कहा कि सिक्के प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये आश्चर्य
जनतक इम्पोर्टेंट है। लास्ट में यूटेंसिल्स यानी बर्तन, जो बर्तन खुदाई में प्राप्त हुए हैं वो बर्तन मिट्टी के हैं, कच्ची मिट्टी के हैं या पक्की मिट्टी के हैं बने हुए, इसके ऊपर कौन सा रंग है और किस तरीके से कलाकारी इस पे की गई है और हमारा कला किस हद तक प्रोग्रेस किया था प्राचीन भारत में, ये से अंदाज़ा लगाया जाता है। अब कंक्लूजन के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि जितने तथ्य हमारे सामने रखे गए हैं, जितनी रचनाओं का हमने अध्ययन किया है, इससे ये पता चलता है, जो हिस्टोरियंस के एक ग्रुप ये कहते हैं कि प्राचीन भारतीयों में हिस्टोरिकल राइटिंग का सेंस नहीं था, ये गलत साबित होता है। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के लिए एवं निर्माण के लिए हमारे पास स्रोतों का अभाव नहीं है। स्रोत कई रूपों में हमारे सामने उपलब्ध है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपना हिस्ट्रिकल सेंस अप्लाई करते हुए साइंटिफिक तरीके से मटेरियल को हम कलेक्ट करें इन तमाम रचनाओं से, और तथ्य के आधार पे हम प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी लें और उसका अध्ययन करें। थैंक यू वेरी मच।